मध्य प्रदेश के रीवा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन के दावों की हकीकत विपरीत है। स्कूल में व्यवस्था के लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद भी त्योंथर तहसील के शासकीय प्राथमिक पाठशाला बघेड़ी, जो न सिर्फ जर्जर बल्कि पेयजल शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। विद्यालय की ये तस्वीर सरकारी दावों की हकीकत बयान कर रही है। सरकारी स्कूल में जमीन पर बैठे बच्चे, हाथों में किताब और सिर पर खुला आसमान, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे किन हालातों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शासकीय प्राथमिक पाठशाला बघेड़ी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? थ्री। थ्री में? ये अंदर काहे नहीं बैठते, बाहरे काहे बैठते हैं? अरे स्कूल गिर जाती है। तो सर जी से बताए रहे? हाँ बताए थे, तो कहते हैं शासन पैसा ही नहीं दे रहा तो बनवा देते हैं। किसके लग गया था, गिर गया था छत? तो मेरी दोस्त संध्या के कहाँ लग गया था? सिर पे लग गया था। फिर सर जी क्या कर रहे हो का? फिर सर जी गए थे हॉस्पिटल, गए थे दवाई करवाने। कि कौन सा विद्यालय है? शासकीय प्राथमिक पाठशाला बघेड़ी। कौन सा पद पे आप यहाँ पर? प्रभारी प्रधानाध्यापक। बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है जी, जर्जर है, गिरती रहती है। एक तरफ हम बच्चों को खतरनाक हुआ भी फिर भी बैठाते हैं, गिरने की संभावना भी रहती है, और हम लोग भी बैठे हैं, एक दो बार गिर पड़ी ही, बच्चों को हटा के ले गए हैं। इसके समाधान के लिए आपने कहा? इसकी सावधानी के लिए मैं BRC को भी लिख दिया, और इस वर्ष से 14 तारीख को BRC को, BO को, और प्लस प्रधान इनका प्राचार्य को लिख दिए हैं। तो क्या सुनवाई हुई अब तक? अभी तक तो कोई सूचना नहीं हुई है। कोई राज दल आया आपके यहाँ विद्यालय? कोई नहीं आया, मात्र पात्र इनके अलावा, पत्रकार के अलावा कोई नहीं आया अभी तक। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।